So next is digital this carrier modulation. So digital carrier modulation is we are using the digital carrier this digital signal. So here what we have in this modulation technique, we have modulating signal as binary signal, digital signal. Whenever we are using modulating signal as binary digital, okay, or output of PCM system. तो ये सब क्या होगा, ये सब या तो binary होंगे या तो कुछ या तो digital होगा. तो जो जब modulating signal ये होते हैं binary digital output, then we have digital carrier modulation. Okay, और carrier as usual, you know what is carrier? Carrier is sinusoidal high frequency this signal. Carrier signal is always a high frequency signal, a cos omega ct or a sin omega ct, whatever you want to take. ठीक है, of course this omega, this this carrier frequency will be much greater than the original signal, modulating signal frequency. ये तो पता ही है, जो carrier signal modulation का purpose ही ये है कि जो low frequency को हम क्या करते हैं, shift करते हैं signal को high frequency signal में. ठीक है, so for example suppose we have this modulating signal, we have the voltage level 1010, okay, this 1010, okay, and this will be, this is suppose a modulating signal VT. ठीक है, with respect of time it will vary like this. तो ये plus V या minus V, इसको peak to peak अगर voltage देखा जाए इसका, और ये जो है this is TB. ठीक है, दिस इज बिट पर सेकंड, जो मैंने आपको बताया था पहले बिट रेट जो बताया था 1/TB, दिस इज दिस TB इज रेसिप्रोकल ऑफ बिट रेट. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये डिजिटल सिग्नल है, दिस इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, अब जो कैरियर सिग्नल है, जो कैरियर सिग्नल है उसको अगर इस तरीके से देखा जाए हमारा, तो कैरियर सिग्नल अगर हम देखते हैं, इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. सो लेट अस सपोज लाइक दिस, वी आर हैविंग दिस कैरियर सिग्नल. ठीक है, तो ये जो है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल व्हिच इज आल्सो नोन एज कैरियर सिग्नल. तो अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन में आता है एएसके, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. ठीक है, इसको हम ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं. ऑन ऑफ कीइंग कैसे, कि अगर ये आउट, ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वन है, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वन है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था, हम कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करते थे इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये करते थे हम एएम में, याद करो कि एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, अगर ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हमारा एम्पलीट्यूड है 100, इसके अकॉर्डिंग हम कैरियर सिग्नल के जो हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसको वेरी करें. कैसे, जब ये 1 है, ये 1 है यहां से यहां तक. ठीक है, तो जब ये 1 है तो ये कैरियर सिग्नल आएगा, जब 0 है तो 0 आएगा. ठीक है, फिर 1 है तो 1 में ये आएगा, फिर ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये दिस इज प्लस वी एंड दिस इज माइनस वी. ठीक है, आपको समझ में आ रहा क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को देखेंगे तो ये क्या है, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जहां पे 1 है वहां पे सिर्फ कैरियर सिग्नल जो एएसके में एंड शिफ्ट किंग में, सिर्फ वही कैरियर सिग्नल वहीं पे आएगा जहां पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 1 में है. जब 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में. ठीक है, तो इस तरीके से, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑन ऑफ किंग भी बोलते हैं. ऑन ऑफ किंग आप समझ ही रहे हैं नाम से, कि जब 1 है तो ऑन, कैरियर इज ऑन, कैरियर आएगा, जब ऑफ है तो ये ऑफ आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये है एएसके.
नेक्स्ट अगर आपका डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन देखें तो नेक्स्ट आता है बीपीएसके। बीपीएसके होता है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल, इज अ बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल। तो जो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग होता है उसमें क्या होता है कि जो तो आपका वन है, जो आपका वन है उसका तो सेम कैरियर सिग्नल सेम रहेगा आउटपुट बीपीएसके में, लेकिन जो आपका जीरो है, जीरो में सिग्नल कैसा था, जीरो में आपका कैरियर सिग्नल ऐसा था, ठीक है, सेम रिपीट हो रहा है यहां से यहां तक, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जीरो है वो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वन आएगा, अगर वन है तो वन में फिर से ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से वन आएगा, ठीक है, और फिर जीरो है तो जीरो में फिर से इस तरीके से आएगा। तो होता ये है जैसे एएसके में ऑन ऑफ किंग था, जहां पे कैरियर सिग्नल बस उधर पे आता है जब मॉड्यूलेटिंग वन है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आएगा जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वन है। इसमें क्या होगा, इसमें जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वन है तो कैरियर सिग्नल सेम टू सेम वैसा रहेगा, लेकिन जैसे जीरो आता है वहां पे हम इसकी जो पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी जो कैरियर सिग्नल की जो पोलैरिटी थी वो हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बाइनरी फेज शिफ्ट किंग सिग्नल। ओके, नेक्स्ट इज बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग किंग, ठीक है, बाइनरी फ्रीक्वेंसी, ये फेज शिफ्ट किंग है मतलब फेज को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे वन आएगा, जैसे ये है यहाँ पे हमारा, यहाँ पर वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, कैरियर सिग्नल आपने देख ही लिया, एक साइनसोइडल सिग्नल है। तो जब ये वन है तब हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो इस तरीके से मॉड्यूलेट होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जब जीरो होगा तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, जब वन आ गया फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और जब जीरो हो गया तो फिर से इसकी, सॉरी फॉर दिस, वन में क्या है, वन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसकी, अगेन जीरो में ये डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हो क्या रहा है, हम क्या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और बाइनरी क्यों, क्योंकि वन जीरो वन जीरो, वन में क्या हाई फ्रीक्वेंसी, जीरो में क्या है लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज को शिफ्ट, फेज को शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जीरो आ गया, वन जीरो जीरो आ गया तो ये फेज को शिफ्ट कर दिया जो कैरियर सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि एएसके में क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है, बीपीएसके में फेज मॉड्यूलेट हो रहा है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ वो ये वी ही होगा, ये थोड़ा ठीक है आगे आ गया, तो ये प्लस वी और माइनस वी जो एम्पलीट्यूड है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, फेज में चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, दिस विल प्लस वी एंड दिस विल माइनस वी, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, बिकॉज वी आर डूइंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट चेंज। सो दिस आर द सम ऑफ द डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक।